प्यारे संगीतकारों आप सबको शुभेच्छा हैपी था आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं हम कौन सा संगीत सीखने वाले हैं एक एक कदम एक एक सुर एक एक चावी एक एक की प्रेस करना सीखेंगे इम्प्रेस करना सीखेंगे तो संतुलित जीवन संगीत हमारे जीवन में भी शुरू होगा यहाँ पर चार तरह के लोग उपस्थित हैं पहले तरह के लोग जिनको कई सारी समस्याएं हैं दूसरे तरह के लोग जिनको कई समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी मिला है तीसरे तरह के लोग जिनको कोई समस्या नहीं है लेकिन संतुष्टि भी नहीं है और चौथे तरह के लोग जिन्हें कुछ समस्याएं हैं कुछ समाधान मिले हैं लेकिन संतुष्टि है पहले तरह के लोग कई समस्याओं में हैं और खोज कर रहे हैं समाधान मिले दूसरे जिनको समाधान मिले हैं अभी उन समाधानों पर काम करना है जैसे किसी की समस्या है बेटी की शादी करवानी है तो किसी ने बताया है रिश्तेदार ने इसकी चिंता तुम मत करो हम इसकी शादी करवाएंगे तो समाधान मिला है शादी हुई नहीं है अभी समाधान मिला है किसी ने आश्वासन दिया है नौकरी नहीं मिल रही हम इसकी नौकरी लगवाएंगे या हमारी जान पहचान है हम इस पर आपको मार्गदर्शन देंगे कोई बीमार है तो उसको समाधान मिला है कि फला फला जगह पर एक वैद्य है उसकी दवा से ये रोग ठीक होगा ही अभी वे वैद्य के पास गए नहीं है मगर समाधान मिला है कम से कम कोई रास्ता दिख रहा है तीसरे तरह के लोग समस्या नहीं है लेकिन संतुष्टि भी नहीं है क्या है जीवन का लक्ष्य क्या यही करके जाना है जो चल रहा है संतुष्टि का एहसास जब तक नहीं है इंसान चंचल वृत्ति से भटकते रहता है और चौथे जिनको समस्याएं हैं कुछ समाधान भी मिले हैं लेकिन संतुष्टि है कारण उन्होंने कुछ बातें जीवन के बारे में जानी हैं संतुलित जीवन संगीत क्या है वे सीख चुके हैं या सीख रहे हैं संतुलित जीवन संगीत और संगीतकार जब स्टेज पर संगीत बजाता है तो वह क्या करता है वह अपने पियानो पर अपने वाद्य पर एक चावी दबाता है प्रेस करता है तुरंत दूसरी प्रेस करता है तुरंत तीसरी प्रेस करता है इस तरह वो चावियों को दबाकर संगीत तैयार करता है तो ये संगीत में चाहिए स्पीड मगर जिस संगीत की बात चल रही है संतुलित जीवन संगीत ये अनोखा संगीत है इसमें यह नहीं होता कि एक चाबी दबा के दूसरी चाबी तुरंत दबानी है इसमें क्या करना होता है एक चाबी दबा कर आप वेट करते हैं किसी को कोई जल्दी नहीं है अगली चाबी कब दबाई जाएगी अगली पंक्ति कब आएगी अगली धुन अगला सुर और आराम से बैठे तो ये जो पीरियड है इस पीरियड को कहा जाता है वॉच वेट विथ वंडर ये आप सीख गए तो सब सॉल्व हो गया जीवन जीना आपको आ गया वॉच वेट विथ वंडर तो तीन ही शब्द हो गए इसमें वॉच वेट वंडर तीनों को हमें आज समझना है और समझेंगे कि जो भी संगीत के प्रोग्राम चलते हैं उसमें क्या होता है उसमें कितने प्रकार के संगीतकार होते हैं पहले टाइप के संगीतकारों में क्या होता है वे बहुत स्टेज पर वाद्य लेकर आते हैं बजाते हैं वे खुश होते हैं ऑडियंस दुखी होता है पहले प्रकार के लोग वे खुश हो गए मेरा ऑडियंस दुखी है दूसरा जिसमें ऑडियंस खुश है ऑडियंस आया श्रोता खुश होकर गए मेरा वो पर्सन दुखी था मैं वह नहीं बजा पाया जो बजाना चाहता था संगीतकार दुखी है कि मैंने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया कुछ रह गया वह बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी तो वो दुखी है तीसरा प्रकार जिसमें संगीतकार भी खुश हुआ ऑडियंस भी खुश हुआ दोनों खुश हैं मगर केवल स्टेज पर संगीतकार स्टेज से नीचे गया फिर देवदास है वह यानी ऐसे संगीतकार जो जब परफॉर्मेंस होता है तब खुश होते हैं जब उनके सामने ऑडियंस है तो वो खुश होते हैं मगर बाद में देवदास होते कुछ तो देवदास बनकर ही स्टेज पर संगीत बजाने जाते <laughs> मतलब शराब पीकर ही वरना बजा ही नहीं पाते और चौथे जो हैं जिनके श्रोता भी खुश हैं वे भी खुश हैं और स्टेज के नीचे भी वे खुश हैं जब शो नहीं चल रहा तब भी क्योंकि उन्होंने असली संगीत असली सुर को असुर से मुक्ति पाई असुर जो इंसान के अंदर है असुर राक्षस को भी कहा जाता है असुर यानी वह तोलुमन मन जो तुलना करता है वह कल्लू मन जो कल कल में जीता है कल जो हो चुका कल जो आने वाला है वह असुर कल्लू मन तोलू मन कॉन्ट्रास्ट मन दुख सुख का खेल खेलने वाला मन तो जो संगीतकार उस असुर पर विजय प्राप्त करता है वह ऐसा संगीत बजा सकता है और ऐसा संगीत सुनकर जो लोग जाएंगे घर उसमें एक मज़ेदार बात होगी आप संगीत के बहुत प्रोग्राम अटेंड करके जाते घर मगर आपको संगीत बजाना नहीं आ जाता ये कैसा संगीत है जिसको सुनकर आप भी संगीतकार बन जाते हो आप भी संगीतकार बन गए क्यों क्योंकि इसमें आपने इंट्रोड्यूस किया वॉच वेट विथ वंडर वरना चावियों के बीच में लोग क्या इंट्रोड्यूस करते है? स्पीड एक चावी दवाई नहीं की दूसरी दवानी है वरना मन बोर हो जाएगा तुरंत दूसरी चाबी तुरंत तीसरी चावी वेट किया ही नहीं जा सकता मगर जीवन संगीत में संतुलित जीवन संगीत में वॉच वेट विद वंडर वॉच को पहले लाया गया वेट बाद में वेट एंड वॉच आपने सुना है मगर यहां कहा गया वॉच वेट ये एक बार आप बात सीख गए तो आप कहेंगे कि अब हमारे पास यही काम है वॉच वेट विथ वंडर यही काम बचा डॉट यही काम एग्जैक्टली exactly, यही काम क्या वॉच वेट विथ वंडर तीन शब्द वॉच वेट वंडर यानी डब्ल्यू अब यही काम है डब्ल्यू जब भी आप टाइप भी करोगे किधर तो आपको याद आएगा मैं वॉच वेट वंडर के साथ कर रहा हूं कि नहीं तो जो वंडर के साथ आश्चर्य आएगा क्योंकि ये आश्चर्य बढ़ते जाएंगे ये कला आप सीख गए तो आश्चर्य बढ़ते जाएंगे क्योंकि तोलू मन जो है उसका रोल समाप्त होते जाएगा तोलू मन का रोल कहाँ होता है जब एक घटना होती है उसकी रिजल्ट आने तक बीच में जो समय होता है उसमें वो कलाबाजियां लगाता है कल्लू मन है ना कलाबाजियां लगाता है कल्पना में रमण करता है कल्पनाओं में लोट पलोट लगाता है इसलिए हर संगीतकार क्या करता है स्पीड बढ़ाते जा रहा है आज का संगीत आप सुनो पुराना संगीत सुनो क्या देख रहे हो स्पीड बढ़ते जा रही संगीत की स्पीड क्योंकि जो मन है वो व्याकुल होता है बीच में बोर होता है परेशानी क्रिएट करता है तो लोगों ने उसका हल क्या निकाला स्पीड बढ़ाओ जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो बढ़ाओ और मन को शांत रखने के लिए ट्रिक क्या है कि उसको जागने का समय ही न मिले मन उठने का समय ही नहीं मिले संगीत इतना फास्ट टर्न ले रहा है तो पर्सन को क्या लगता है कि बहुत अच्छा संगीत था इतनी देर मन आया ही नहीं सिर्फ आप उपस्थित थे और कुछ था ही नहीं तो मन जब अपसेंट था अपसेंट तब आया आनंद क्योंकि मन के अपसेंस में पीछे मन के पीछे जो सत्य है वो उजागर होता है ये रहस्य लोग नहीं जानते मन बाद में आके क्या कहता है बहुत अच्छा संगीत था मगर उस वक्त वो नहीं था बहुत अच्छा संगीत था मगर उस वक्त वो नहीं था मगर बाद में आकर वो क्रेडिट ले लेता है कि मैंने सुना मैं था मगर वो नहीं था तो क्योंकि मन अगर होता तो क्या होता वो सब कबाड़ा कर देता क्योंकि जब भी मन आ जाता है तोलू मन सहज मन नहीं सहज मन सहजता से कार्य करते रहता है इस मन के दो हिस्से एक तोलु मन तुलना करने वाला काला सफेद कंट्रास्ट कंट्रोल जैसे होता है टीवी में वैसा तोलु मन तुलना करने वाला दो में जीवन मृत्यु शोर शांति दुख सुख तो ये तोलु मन नहीं था चेक कर इसको शॉर्ट में कहें चेक कर चेक करने वाला अब क्या हो रहा है मुझे पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा है क्या जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो ना तो बीच में जो आपके डायलॉग्स आते हैं बीच में वो होते हैं मन के वहां मन आना चाहता है तो एक तरीका तो है कि बहुत स्पीड में बात करते जाओ सोचने का समय नहीं मिले मगर उससे क्या होगा मन को वही खाना मिला जो वो चाहता था इससे मन गिरेगा नहीं लोग जो आज संगीत सुन रहे क्या उससे मन गिरने वाला है नहीं क्योंकि उसको वही मिल रहा है जो वो चाहता है और उसकी डिमांड बढ़ती जाती है कल और इससे भी फास्ट संगीत चाहिए कुछ और ऐड करो इसके अंदर कुछ और ऐड करो ऐड करो ऐड करो तो टीवी पर क्या देख रहे हो ऐड, ऐड, ऐड। लगातार एड्स चली रही है एडवर्टाइजमेंट क्यों चल रही है क्योंकि मन जाता ऐड करो कुछ और जोड़ो उसमें यह क्रीम है अब हमने इसमें हल्दी भी जोड़ी है ऐड किया हल्दी एलोवेरा भी डाल दिया दूसरा आके बोला इसमें मैंने एलोवेरा भी डाल दिया अब इसमें हमने तुलसी भी इंट्रोड्यूस की है तो लगातार ऐड हो रहा बीच में जो पॉज है पॉज क्योंकि जीवन में घटना होती है ना तो हमें पॉज लेना सीखना है एक कदम लेने के बाद एक क्रिया करने के बाद एक निर्णय लेने के बाद थोड़ा रुकना होता है पॉज लेना होता है गैप लेनी होती है उस उस की को प्रेस किया आपने एक चाबी दबाई फिर आपको रुकना होता है और उस वेटिंग पीरियड में आपको आश्चर्य करना सीखना है वो पीरियड अगर आप आश्चर्य कर पाए तो अगली चाबी दबाने का जब समय आएगा आपको क्लिक होगा आप वो चाबी क्लिक करोगे और समस्या को सुलझते हुए देखोगे निर्णय लेना चाहते हो समस्या सुलझाना चाहते हो समाधान चाहते हो समाधान यानी समय दान समाधान यानी समय दान समय दान करना पड़ेगा समय बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा दो चावियों के बीच में चावी यानी की जो बटन प्रेस करते ना हम संगीत बजाने के लिए वो है बटन एक बटन दबा के समाधान बीच में डालो समय का दान करो फिर दूसरी चाबी दबाएंगे तो ये वेटिंग पीरियड में क्या होगा जो क्रिया जो क्रम आपने किया उसका उत्तर आएगा वरना लोग जल्दबाजी में उत्तर बिगाड़ देते समाधान नष्ट कर देते हैं जल्दबाजी में लोग सुलझती हुई समस्या को उलझा देते हैं क्योंकि वेट ही नहीं कर पाते क्योंकि वेट करने की ट्रेनिंग मिली ही नहीं तो वॉच करने की ट्रेनिंग मिले वॉच कैसे करना है अनासक्त भाव से आसमान में गुजरने वाले बादलों को जैसे आप देखते हो उस तरीके से वॉच कर पाए और वेट कर पाए पॉज दे पाए और विथ वंडर आश्चर्य क्योंकि ये तरीका आप सीख गए तो आप वंडर करना सीखोगे आश्चर्य करना सीखोगे क्योंकि आपको मालूम है आश्चर्य आपके अंदर कौन सी फीलिंग लाता है जादूगर जादू दिखाता है तो कैसे आश्चर्य हो जाता है आप बच्चे हो जाते बड़े भी बच्चे हो जाते हैं उनकी आंखों में देखो तो बच्चे बनकर जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आपको चुंबक बनाती है मैग्नेट और मैग्नेट होता है समाधान को आकर्षित करता है समस्या का समाधान प्रॉब्लम की सोल्यूशन आकर्षित करता है खींचता है आपके जीवन में जो भी आ रहा है आप खींच रहे हो अपने विचारों से अपने भावों से आश्चर्य के भावों से दुख की फीलिंग से जो भी आप रखते हो अंदर या तो आप पीतल बन जाते हो या तो चुंबक बन जाते हो तो ये कला आ गई अगर चेकर को आने नहीं दिया या चेकर आए तो आश्चर्य करे चेकर यानी तोलुमन चेक करने वाला कि बोर तो नहीं हो रहा ये तो मुझे मालूम है ये तो मुझे पता है ये तो मैं जानता हूं अरे ये तो नया है ये अच्छा है ये बुरा है उसको कोई तो लेबल लगाना है बिना लेबल लगाकर वो रहता नहीं कि तोलुमन का काम ही वही है और उसका काम बंद किया जा रहा है सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कॉम तो उसका काम ही खत्म हो रहा है उसको बुरा लगता है तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये आश्चर्य करना सीखना है तो आश्चर्य पर नजर जाने की ट्रेनिंग आपको कब प्लेट में चाय मिली तो प्लेट पर क्रैक है क्रैक देखते हैं तो आप नाश्चर्य में जाते हैं नाश्चर्य में और चाय के स्वाद में जाते तो आश्चर्य में जाते हैं फोकस कहां पर हम कर रहे हैं। हमें ट्रेनिंग किसकी मिली है कुछ लोग सदा नाश्चर्य पर फोकस करते हैं नाश्चर्य है। जो आश्चर्य नहीं है बच्चे होते ना हर चीज पर आश्चर्य करते उनको पेन भी रख दो तो उसको भी उठा के इतने आश्चर्य से देखते रहेंगे मगर बड़े हो गए मुझे मालूम है ये पेन है ये टेबल है ये क्लॉक है ये कैमरा है ये क्या है ये सब मालूम है ऐसा क्या है जो मालूम नहीं है कोई आश्चर्य नहीं होता अब वापस से आप वो आश्चर्य ला रहे हो तो ट्रिक समझ में आ गई ट्रिक क्या थी कि मन को सोचने का मौका मत दो मगर उससे वो और बिगड़ते गया उसको और बड़ी उत्तेजना चाहिए उसको और ज़्यादा डोज चाहिए पोटेंसी और बढ़ानी पड़ेगी आज एक पैग से पर्सन को नशा आता है तो कल दो लगते हैं परसों तीन लगते हैं एक सिगरेट से काम चल रहा था तो दो लगते कुछ महीनों के बाद तीन लगते ऐसे ही बढ़ती जाता है तो लोगों ने ट्रिक तो निकाली कि इसको और दो और दो ऐड करो ऐड करो मगर ऐड कर करके क्या हुआ मन को और बड़ी उत्तेजना चाहिए तो उस उत्तेजना में वो खो गया और नई कठिनाई तैयार हो गई मगर सीखना क्या है पॉज डालना सीखना क्या है वो जो पॉज में आज़ादी क्षेत्र है प्रतिसाद चुनाव आजादी क्षेत्र यानी एक घटना हुई और फिर आपने प्रतिसाद दिया यानी एक्शन ली घटना एक्शन बीच में है एक समय छोटा होगा बड़ा होगा एक समय है इस समय को नाम क्या दिया गया है प्रतिसाद चुनाव आजादी क्षेत्र यानी इसमें आपको निर्णय लेना होता है कि मैं कौन सा निर्णय लूं मैं कौन सा प्रतिसाद दूं तो वो प्रतिसाद चुनने के लिए आपको उतना ही समय है कितना छोटा समय है तो ट्रेनिंग क्या मिलनी चाहिए पहले ये समय को पहचानने की ट्रेनिंग क्या मिले एक चावी संगीतकार दबाए दूसरी दबाने से पहले जो बीच में समय है इसमें वो आश्चर्य कर पाए इसके अंदर वो वॉच कर पाए इसके अंदर वो वेट कर पाए डब्ल्यू 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 ये डॉट कॉम शुरू हुआ तो वो इंसान देखेगा कि चुनाव सही हुआ आज़ादी प्राप्त हुई तो असली आज़ादी कौन सी है बाहर कुछ चीज़ों को लेकर हम आज़ादी की घोषणा करें तो वो असली आज़ादी नहीं है असली आज़ादी में मन जो है वो संगीतकार बन जाए वो आनंद ले पाए वो सुर में आ जाए ताल में आ जाए लय में आ जाए आनंद प्रेम मौन सब चीजें एक सीक्वेंस में चले तो आपने लक्ष्य पूरा किया तो उसके लिए क्या समझा जो बीच का समय है उसको नाम देते हैं प्रतिसाद चुनाव आजादी क्षेत्र मन को यह पीरियड कैसे लगता है बोरिंग आपने किसी को फोन किया अब वो जवाब देने वाला है आपने एसएमएस किया अब वो जवाब देने वाला है ये पीरियड कैसा लगता है जब तक तो जवाब नहीं आया मगर ये पीरियड में अगर आप वंडर करना सीखें आप आश्चर्य देखोगे कैसे हम एक चाबी प्रेस करते हैं और वॉच वेट विथ वंडर करते और आश्चर्यजनक ढंग से जब उसका रिजल्ट आता है उसका जवाब आता है और आपके आपका चेहरा और खुल जाता है खिल जाता है अरे कितना सुंदर है मैं पहले एक हड़बड़ाहट में कितनी गलतियां करता था अब गलती नहीं हो रही तो हड़बड़ाहट खत्म होती जाएगी एक जीवन में ताल संतुलित संगीत बजना शुरू हो जाएगा तो इसी संगीत को समझने के लिए एक एक स्टेप हम समझ रहे हैं कि ऐड करने की हैबिट जो है मन की उस पर रोक लगानी होगी और उसको कहना होगा कि इस पीरियड में थोड़ा वॉच तो करो थोड़ा वेट तो करो थोड़ा आश्चर्य तो देखो उसके अंदर और उसको आप सरगम ध्यान सिखाएंगे ध्यान का दान आपने प्रवचन का नाम भी देखा तो ये कौन सा ध्यान है वो हम आज सीखेंगे मगर पहले बात समझ रहे थे कि एग्जैक्टली exactly बड़ा संगीतकार कौन वो जो तुरंत चाबी दबाता है या वह जो एक चाबी दबाकर बैठा रहता है दूसरी चाबी दबाने का समय शायद आधे घंटे के बाद आए शायद मंडे शायद ट्यूसडे, वो भी वॉच वेट वंडर के साथ बैठा है मगर ये संगीतकार का शो देख लेने के बाद क्या होगा जो सुनने आए हैं ना वे भी संगीतकार बनकर जाएंगे जो सुनने आए हैं वे भी संगीतकार बन जाएंगे ऐसा होता नहीं ना कि सुनने वाले संगीतकार बन गए सालों सालों लोग सुन रहे हैं, मगर संगीतकार नहीं बनते मगर संतुलित जीवन संगीत को बजते हुए देखोगे जिनके जीवन में संगीत बजरा है आप उनके साथ रहने लगते हो तो आप भी देखते हो आप उस तरीके से जीने लगते हो ये सीखना आसान है क्योंकि दो चाबियों के बीच में समय है इसलिए आपको याद रहता है कोई जल्दी जल्दी प्रेस करेगा तो आपको कहाँ याद रहेगा पहले कौन सी चाबी दवाई फिर कौन सी दवाई अब इतना समय है बीच में तो आप बहुत आसानी से ये सीख जाते हो और जिनको ये नहीं मालूम वो क्या कौन से एल्बम बना रहे है? कौन से एल्बम हिट होते हैं जिनमें जगह ही नहीं है पॉज ही नहीं है नो पॉज़ और वो हिट हो जाते हैं क्यों हिट होते है? मन की वजह से क्योंकि मन चाहता है ऐसा कुछ बजे जिसमें मैं खो जाऊँ मन खोना चाहता है मगर खुद से वो शांत नहीं रह पाता उसको कुछ बाहर से चाहिए इसलिए वो सदा गुलाम रहता है अंदर से ही ये कैसे हो ध्यान अंदर से मिलने वाला संगीत है इसलिए वो सीखना है वो समझना है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स तो यही तरीका है कि की दबाओ प्रेस करो फिर वॉच करो वेट करो वंडर के साथ तो आप देखोगे प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया सिर्फ आपको देखना क्या होता है पहली चावी कौन सी दबानी है पहली चावी दबाकर फिर आप रुकते हो गलत चावी दबा दी या गलत समय पर सही चाबी भी दबाई तो आप देखते हैं कि संगीत में सुर नहीं आता तो यही कला है जो हमको समझनी है सीखनी है और कुछ देखकर हम जो गलत चावी दबा देते हैं उस पर सजगता लानी है आप संगीत बजाना सीख रहे और घर गए यहाँ से और पहली चाबी दवाई यानी किसी से बात की किसी से मिलकर आए कोई दवाई लेनी थी दवाई ली जो भी था हमने वो स्टेप लिया अगली स्टेप के बीच में कुछ हमें दिखा जिसको दिखावटी सत्य बोलते कुछ दिखा तो हम तुरंत उत्तेजना में दूसरी चाबी दवा डालते वेट नहीं कर पाते उसमें बात बिगड़ जाती है इसको समझो उदाहरण से उदाहरण से ये समझ में आएगा कि क्या आपको बताया जा रहा है क्या होता है एक पर्सन है खाना खाया अब उसको अगली चावी जो है वो क्या दबानी उसको सौंप खानी है पाचन के लिए सौंप खानी है तो बाहर निकलता है और सौंप का दुकान कोई नहीं दिख रहा है या रेस्टोरेंट से बाहर निकला कुछ दिखा नहीं जहां सौंप मिले और दिखा क्या पानीपुरी का दुकान हाथ गाड़ी वहां से जा रही है तो चलो पानीपुरी खाते गलत चाबी दब गई चाहता क्या था मगर कोई चीज अचानक सामने आ गई पानीपुरी खा ली पाचन और खराब हो गया चाबी गलत दब गई उस वक्त ही सजगता की अति आवश्यकता है कि गलत चाबी दबने से पहले हम पूछेंगे अपने आप से अभी ये नेक्स्ट की सही है क्या नहीं है तो आप खुद को रोक पाओगे आसानी से जो ये संगीत सीख गए उनके लिए आसान है वरना तो मैकेनिकल लाइफ लोग गलत चाबी दबाते जाते हैं और जीवन में स्वास्थ्य बिगड़ता है रिश्ते बिगड़ते हैं पैसे की तकलीफ़ें हैं लोगों से तकलीफें हैं बाप से सास से बहू से पति से पत्नी से भाई से पिताजी से कहीं ना कहीं से कुछ तकलीफें आ ही रही है क्योंकि वो वॉच वेट विथ वंडर नहीं कर पा रहे तो गलत चाबी दबाने से ले विद्यार्थी है उसने डिसाइड किया है ये सिलेबस करेंगे आज पहला चैप्टर पढ़ा पहली चाबी दबाई फिर चलो आ, मित्र को फ़ोन करके आते हैं मित्र को फ़ोन करने गए बाजू में बेड था चलो सो जाते हैं दूसरी चाबी गलत दब गई तो कहां पर यह हो रहा है दिखावटी सत्य देखकर उधर आप सजग रहेंगे तो आप सफल हो पाएंगे आसानी से